दोस्तों बिग बॉस 17 के घर के अंदर का जो गेम है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। घर के अंदर नई एंट्रीज भी होना स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी बीच अंकिता लोखंडे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते हफ्ते ही अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन से बात करते हुए ये बताया था कि उनके बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है। अब अंकिता लोखंडे ने जब नेशनल टीवी पर अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताया तो ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट में क्या आया है। तो फाइनली उनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आपको बता दे कि फिलहाल अंकिता बीच में रियलिटी शो नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे को लेकर बाहरी दुनिया में यह दावा किया जा रहा था कि अंकिता प्रेगनेंट है और जल्द शो को छोड़ देंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब से अंकिता लोखंडे बिग बॉस के घर के अंदर गई हैं, तब से वो किसी न किसी के निशाने पर रहती हैं। हालांकि अंकिता लोखंडे जो कि टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने पति विक्की जैन के साथ घर में एंट्री मारी थी ये सोचकर कि उनका रिश्ता घर के अंदर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर जाकर विक्की जैन और अंकिता की लगातार लड़ाई देखने को मिली। अंकिता बार बार विक्की जैन से टाइम मांगती नजर आई और विक्की जिस तरीके से नेशनल टीवी पर अपनी ही वाइफ को इतने गंदे से ट्रीट करते नजर आए, उसके बाद तो सलमान ने भी विक्की जैन की अच्छे से क्लास लगाई थी। अब उनकी प्रेगनेंसी को लेकर जो लोगों के बीच कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से उनकी प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई थी सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि उनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है और ऐसे में अगर कोई गुड न्यूज आती तो उनके फैंस को सबसे ज्यादा खुशी होती। फिलहाल तो आपको बता दें कि बिग बॉस 17 को शुरू हुए 6 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अंकिता लोखंडे अब खेल में ठीक ठाक नजर आ रही है। अब तक अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड विक्की जैन की सलाह पर ही गेम खेल रही थी, लेकिन जब सलमान ने उन्हें रियलिटी चेक दिया तब जाकर अंकिता को समझ में आया कि उनका गेम उन्हें खुद ही खेलना पड़ेगा, किसी के साथ रहकर वो अपना गेम नहीं खेल पाएंगी। अब पहले से बेहतर हुआ है अंकिता लोखंडे का गेम जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अंकिता बिग बॉस का ये 17th सीजन जीत सकती है। शो में अंकिता लोखंडे दिल वाले घर के अंदर विक्की जैन के साथ ही विक्की को गेम में मास्टरमाइंड का टैग मिल गया, लेकिन अंकिता बेवकूफ से दिखने लगी। हालांकि बिग बॉस की मिल रही थेरेपी के बाद अंकिता अब गेम में विक्की से अलग खेल रही हैं। वो लगातार अपने मुद्दे उठा रही हैं और फैंस को अंकिता का इंडिविजुअल खेलना काफी पसंद भी आ रहा है। अंकिता लोखंडे बिग बॉस के घर के अंदर किस तरीके का गेम खेल रही है, क्या है आपकी राय उस पर? क्या आपको भी लगता है कि विक्की से अलग होकर अंकिता का गेम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है? अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और उनके गेम के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।